नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम है नवीन और आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि रेलवे की तरफ से इस साल 2023 में ग्रुप डी की बम्पर भर्ती निकाली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप में से लाखों बच्चों का इंतजार जो है खत्म हो चुका है रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती का, क्योंकि फाइनली हमारे पास में अपडेट आ चुकी है कि रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती निकाली जा रही है वो कब से कब तक निकाली जाएगी और कितने पदों पर निकाली जाएगी और इसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम आपके कब लिए जाएंगे, कंप्लीट जानकारी हमारे पास में आ चुकी है। तो अगर आप भी रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी का फाइनली इंतजार जो है खत्म हो चुका है। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है आज के इस वीडियो में रेलवे की नई भर्ती की, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, तकरीबन 5000 लाइक इस वीडियो पर आने चाहिए और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी तैयारी कर सके और उनका जो सपना है रेलवे की नई भर्ती पाने का, ग्रुप डी की भर्ती पाने का, वो सपना वो पूरा कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं रोजाना इसी प्रकार आपको नई भर्ती, स्पेशली रेलवे की नई भर्ती की जानकारी सबसे पहले मिले, तो सब्सक्राइब को दबा दें, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन को दबा दें और ऑल कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। आप में से कई लाखों बच्चे हैं जो जानते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, टिप्स वर्ल्ड बस डॉट xyz के बारे में, बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है हमारी वेबसाइट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप रेलवे की नई भर्ती की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर रोजाना विजिट करते रहे, यहाँ पर आपको रेलवे की नई भर्ती की जानकारी के साथ साथ फ्री के मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, मॉक टेस्ट है वो भी बिल्कुल फ्री के। यहाँ पर रेलवे की तमाम भर्तियों की जो भी फ्री के मॉक टेस्ट होते हैं वो हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए यहाँ पर फॉर्मेट तैयार किया है, ठीक है। तो वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की बम्पर भर्ती के बारे में जो कि रेलवे की तरफ से नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की नई वैकेंसी है जो कि इस साल 2023 की वैकेंसी है, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती है, जो कि आपको बता दें इस साल 2023 में आरआरसी की तरफ से वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की वैकेंसी है जो कि लेवल 1 की वैकेंसी होगी, सबसे पहले इसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 90,000 से अधिक पदों पर भर्ती है दोस्तों। ये जो भर्ती है 1,00,000 भी पार कर सकती है, ठीक है। तो 1,00,000 से भी अधिक आपको भर्ती देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी तक ये काफी समय हो चुका है ये भर्ती नहीं आई है, तो इस बार जो है काफी भारी मात्रा में यहाँ पर सीट खाली हो चुकी है जिसके कारण से इस बार आपको तकरीबन 1,00,000 से अधिक भी पद देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन आपको बता दें इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, इसके एग्जाम कब होंगे, वो अपडेट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस दोस्तों आपका सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इन भर्तियों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही अप्लाई करेंगे, फीमेल भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्पेशली फीमेल के लिए कोटा होता है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं अप्लाई करके, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस इस बार किस प्रकार होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले आपका होगा सीबीटी बेस्ड एग्जाम, आपका ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया फ्री के मॉक टेस्ट में आपको वहां पर जो एग्जाम का फॉर्मेट तैयार किया गया है वही तैयार किया गया है जो आप ऑनलाइन एग्जाम में देते हैं। तो यहां पर अगर आपको डर लगता है तो वो आप फ्री के मॉक टेस्ट दे लीजिए, आपका डर जो है काफी हद तक दूर हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों सीबीटी एग्जाम में आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी यहां पर दौड़ भी होगी, दौड़ की भी आपको तैयारी करनी है, उसके बाद फाइनली मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डी भी होगा, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि एग्जाम जो है इसी साल आपके होने हैं, ठीक है। इस बार काफी तेजी से आपका एग्जाम का प्रोसेस होने वाला है। तो सीबीटी बेस आपका जो एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों उसमें आप सकते हैं जनरल साइंस जीएस से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे जो कि 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। मैथमेटिक्स मैथ्स में आपके 25 सवाल पूछे जा रहे हैं 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 30 सवाल पूछे जा रहे हैं 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके 20 सवाल पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के। टोटल आपके 100 सवाल होंगे 100 नंबर के। कुल मिलाकर 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलेगा, तो आपको इसी टाइमिंग के अंदर आपका जो है पैटर्न कंप्लीट करना होगा, उसकी प्रैक्टिस आप आज से अभी से शुरू कर दें, एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी एज हुई कम से कम 18 और 33 तो आप एलिजिबल होंगे। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, 18 से 33 साल का। और आईसीयू में छूट भी है जो कि एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स को यहाँ पर छूट दी जाती है एज पर नॉर्म्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट्स 100% अप्लाई कर सकते हैं। आप में से कई बच्चों के ये सवाल आते हैं कि सर ग्रुप डी की भर्ती के लिए क्या आईटीआई का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि यहां पर आईटीआई का अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिना आईटीआई के 10वीं बेसिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं क्लास के बेसिस पे भी यहां पर वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन हाँ, यहां पर कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिसके लिए आईटीआई की जो सर्टिफिकेट होता है वो होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी आप 10वीं क्लास के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब आपको बता दें कि इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे। लाखों बच्चे हैं इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं। कई बच्चों ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, हमें कमेंट करते हैं, पूछते हैं हमसे, सर हमने इस तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, तो हम उन्हें काफी अच्छे से गाइड करते हैं। काफी सारे बच्चे जो है हमसे ये भी पूछते हैं कि सर रेलवे की नई भर्तियों के लिए इस बार एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तो वो बुक की जानकारी भी हम उन्हें देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली आपके लिए सिलेक्टेड बुक कौन सी होनी चाहिए, अगर आप वो भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सी बुक जो है मार्केट से परचेस करनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो उन्हें ऑनलाइन से या फिर मार्केट के थ्रू भी आप परचेस कर सकते हैं। वो सभी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। आगे जल्द ही हम आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नया होने वाला है चरण के थ्रू, ठीक है। तो चरण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा अप्रैल का महीना जा रहा है और मई आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो अनाउंसमेंट की गई थी रेलवे मंत्री द्वारा, यहां पर बताया गया था कि अप्रैल से मई तक ये भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन अप्रैल में ये भर्ती देखने को नहीं मिली है, तो अब मई में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन कब से, दोस्तों आपको बता दें कि 10 मई से, ठीक है, 10 मई तक में आपको जो है भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो 10 मई से पहले आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके आवेदन जो है मई से जून तक चलेंगे, उसके बाद आपको बता दें जल्दी इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके एग्जाम भी आपको दिसंबर तक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दिसंबर से जनवरी तक आपके एग्जाम हो जाएंगे CBT 1 के, ठीक है। तो आपको एग्जाम की तैयारी भी कर लेनी है, तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। इस भर्ती को लेकर के दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप रेलवे की नई भर्ती की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर रोजाना विजिट करते रहे। यहाँ पर आपको रेलवे की नई भर्ती की जानकारी के साथ साथ फ्री के मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप दस्ते मॉक टेस्ट है वो भी बिल्कुल फ्री के। यहाँ पर रेलवे की तमाम भर्तियों की जो भी फ्री के मॉक टेस्ट होते हैं वो हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए यहाँ पर फॉर्मेट तैयार किया है, ठीक है। तो